सो गाइस फाइनली यार जो गवर्नमेंट की लिस्ट आई है उसमें भाई पहले तो तुम्हारे भाई की भी सांस अटक गई थी। मैंने कहा बहन जो पबजी मोबाइल बैन हो गया तो भाई बहुत कुछ हो सकता था, बट जब मैंने पबजी मोबाइल की न्यूज़ सुनी ना न्यूज़ वालों के चैनलों पे तो भाई तुम्हारे भाई ने पहले तो डायरेक्टली अनलाइक कर दी वीडियो को क्योंकि हार्ट अटैक आ गया था। बट उसके बाद जब मैंने देखा मिनिस्ट्री ऑफ की लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईडी की लिस्ट तो भाई उसमें यार पहले तो इन्होंने कहा था कि हम गेमिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं एंड उसके बाद जब मैंने लिस्ट देखा तो भाई उसमें भी नाम नहीं था, बस ये न्यूज़ थी बहन जो फैला रहे थे जो चूचियों की तरह कि पबजी भी है उसमें। तो गाइस वो नहीं, पबजी सेफ़ है एंड मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ पूरी की पूरी एंड मैं ये बताऊँगा कि क्यों सेफ़ है, क्योंकि यार पबजी मोबाइल चाइनीज़ नहीं है बल्कि चाइनीज़ का सिर्फ एक उसमें हिस्सा है और कुछ नहीं है, पबजी मोबाइल चाइनीज़ ने नहीं बनाया बल्कि। तो आपको मैं पहले लिस्ट दिखा देता हूँ। सो ये जब देखोगे अब इसमें भाई सारी ऐप है, टोटली इतनी सारी ऐप चाइना की थी मुझे खुद नहीं पता था, बट 59 ऐप्स कम से कम चाइना की है। तो ये सब का लिंक का डिस्क्रिप्शन मतलब कि डिस्क्रिप्शन में। एंड भाई जो मैंने इसमें देखा ना तो कि पबजी का नाम तो नहीं है कहीं, तो भाई मुझे इतनी सांस में सांस जैसे आती है ना वैसा ही देखो जैसे तुम्हारे भाई को सांस आई। फिर मैंने पबजी ऑन करके देखा, हाँ भाई सक्सेसफुल ऑन हो रहा है। एंड गाइस ये है लिस्ट, टिकटॉक शेयर सब ऐप है आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, पूरी की पूरी 59 ऐप्स की लिस्ट है एंड अभी बैन नहीं हुई है। कभी आप सोच रहे हो बैन हो जाए क्योंकि इसमें वक्त लगता है, वो अपने लाइसेंस दिखाएंगे एंड उसके बाद होगा बैन। तो अब देख सकते हो कि चाइनीज़ ऐप क्यों नहीं है, चाइनीज़ गेम है या नहीं वो तो गाइस आप सबको पता है चाइनीज़ गेम तो यार है ही, बट यार इंडिया की जो लिस्ट आई है गवर्नमेंट उसमें इसका नाम नहीं है। एंड उस लिस्ट को आपको देखना हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में वो सारी ऐपों का मैंने नाम दे दिया है। एंड गाइस वन थिंग्स और, क्योंकि यार देखो गेमिंग कम्युनिटी को इंडिया सपोर्ट करता है, अब पहले नहीं करता था बट अब करने लगा है जब से, तो गाइस गेमिंग कम्युनिटी ऐप्स को तो मुश्किल ही हटाएंगे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हम पबजी की वो चाइनीज वर्जन है या नहीं। तो गाइस ये जो प्रोजेक्ट था वो था ब्लू होल कंपनी का एंड गाइस ब्लू होल कंपनी थी साउथ कोरिया स्टेट की, ओके। बट फिर भी गाइस बहुत लोग थोड़े होते हैं ना दिमाग में दर्द कि टिकटॉक बैन हो रहा है तो पबजी क्यों नहीं बैन हो रहा। सो गाइस मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो शेयर होता है डाटा, तो गाइस अगर हिसाब से देखोगे मोबाइल वर्जन तो यहाँ पर यूएस कनाडा जो ग्लोबल वर्जन होता है प्ले स्टोर से जो आप डाउनलोड करते हो उसका डाटा जाता है यूएस कनाडा में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में। और जो आप पबजी मोबाइल लाइट खेलते हो उसका डाटा भी सेम टू सेम यूएस कनाडा में जाता है, जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो। बट फिर भी आप यूँ मत समझना कि चाइनीज़ के पास कुछ नहीं जाता, गाइस चाइनीज़ के पास भी जाता है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि पबजी बैन हुआ था चाइना में, पहली बात तो ये वो रिलीज ही नहीं हुआ था, रिलीज़ जो उसकी डेट थी वो फ्रीज़ हो गई थी। देखो जहाँ से यहाँ पर देखोगे टेंसेंट प्लान रिलीज़ वाज सस्पेंडेड, ठीक है। तो गाइस जो पबजी में रिलीज़ हो रहा था पहली बात तो कंट्री का गेम है, तो गाइस कंट्री में रिलीज़ होने से पहले बैन हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी चाइना की है ही नहीं, तो गाइस बैन हो गया। तो इस वजह से पबजी मोबाइल 2 दोबारा से रिलीज़ हुआ गेम फॉर पीस के नाम से। एंड गाइज उसका जो डाटा जाता था वो जाता था चाइना एशिया में, यानी कि चाइना की कंपनी पे। एंड अब बात करते हैं क्रिएट किसने करा पबजी मोबाइल, जो डेवलपर था वो कौन था। तो गाइज मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लू होल कंपनी का ये पबजी मोबाइल गेम है, और ब्लू होल कंपनी किस स्टेट की है यानी कि कंट्री की है, साउथ कोरियन। सो अब हम बात करते हैं जब पबजी मोबाइल ऑन करते होंगे तो गाइज टेंसेंट गेम ऑफिशियली लिखा हुआ आएगा क्योंकि ये कंपनी चाइना की है। सो आपको न्यूज़ सुनने को मिली होगी चाइना ने पबजी खरीद लिया, गाइस वो फेक न्यूज़ है, पबजी खरीदा नहीं गया। आप उसके बाद देखोगे पबजी कॉरपोरेशन क्रैफ्टन गेम यूनियन, ये क्यों नाम लिखा हुआ आता है, गाइस ये भी एक कंपनी का इंजन होता है जिससे पबजी गेम थोड़े से डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह समझ लो। तो गाइस ये भी कंपनी साउथ कोरिया की है क्रैफ्टन गेम यूनियन, यहाँ आप देख सकते हो। बट अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेंसेंट गेम क्यों लिखा हुआ आता है, एंड गाइस ये चाइना की कंपनी है क्योंकि यार जब पबजी मोबाइल बहुत चला तो गाइस चाइना ने पैसे दे के अपना नाम भी उसमें जोड़ लिया जिससे कि इसका भी नाम आए उस गेम में, बिकॉज यार कुछ चीज ट्रेंड कर रही है तो आप सब उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे। एंड चाइना के पास आपको पता है इकोनॉमिक रेट कितना ज़्यादा उनका, कितना सही उनकी कंट्री है इस समय। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो यार प्लीज़ लाइक एंड शेयर इन योर ग्रुप्स इफ़ योर चॉइस। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय। एंड वन मिनट गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि यार गेमिंग जो कम्युनिटी है हमारी इंडिया की गाइज उससे बहुत ज़्यादा डोनेशन जाती है, जैसे कि चैरिटी स्ट्रीम आप देखते होंगे कैरिमिनाटिया, बहुत बंदे करते हैं चैरिटी स्ट्रीम। एंड गाइज जो फ्लूड्स फैलते हैं यानी कि बाढ़ वगैरह आती है उसमें भी बहुत सारे डोनेट्स जाते हैं। एंड होपफुली मोदी जी ने हमारे गेमिंग कम्युनिटी को पहले भी सपोर्ट किया था, सो यार गेमिंग बैन होने का कुछ मैटर नहीं जाता, एंड फिर भी बैन होता है तो गाइज हम सपोर्ट करेंगे अपनी नेशन को बकायदा, क्योंकि इंडियन आर्मी वी लव इंडियन आर्मी बिकॉज सो यार
इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।